दोस्तों आज 20 नवंबर को वर्ल्ड पाइल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन के अवसर पर हमने ये सेशन रखा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वसीम चौधरी, फाउंडर ऑफ होम्यो केयर क्लिनिक पुणे। इस वीडियो में हम पाइल्स क्या है, पाइल्स के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, पाइल्स के कितने टाइप्स हैं, पाइल्स के कितने ग्रेड्स हैं, किन किन कारणों से रीजन से पाइल्स होता है और एट द एंड कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूजफुल है उसके बारे में बात करेंगे। पाइल्स को हिंदी में बवासीर या फिर मस्सा भी कहा जाता है। पाइल्स क्या है? पाइल्स हमारे एनल एरिया के अंदर काफी वेन्स होती है। अगर उन वेन्स में कभी कंजेशन हो जाए या फिर खून का जमाव जम जाए तो वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, पेन हो जाता है, इचिंग होती है, उसे पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल पाइल होता है और एक इंटरनल पाइल होता है। एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि मस्सा जो इनस से बाहर आ जाता है, वहां पर सूजन आ जाती है, उसे एक्सटर्नल पाइल्स कहा जाता है। इसमें सिंगल मस्सा भी आ जाता है, उसे सिंगल कहा जाता है, या फिर दो या फिर मल्टीपल भी आ जाता है, उसे मल्टीपल पाइल्स कहा जाता है। इंटरनल पाइल्स यानी एनस के 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर ही स्वेलिंग आ जाती है और कंजेशन आ जाता है वेन्स में, उसे इंटरनल पाइल्स कहा जाता है। एक्सटर्नल पाइल्स बहुत ही पेनफुल हो जाता है रहता है और उसमें इचिंग बर्निंग ज्यादा रहती है पर ब्लीडिंग कम होती है। इंटरनल पाइल्स में यूजुअली पेनलेस होता है वो और उसमें ब्लीडिंग सबसे ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं पाइल्स के ग्रेड। पाइल्स 4 ग्रेड में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रेड पाइल, इसमें स्वेलिंग दिखती नहीं है, स्वेलिंग इंटरनली ही रहती है, उसे फर्स्ट ग्रेड पाइल्स कहा जाता है। सेकेंड ग्रेड पाइल में स्वेलिंग रहती है पर जब मोशन करते हो अपने आप स्वेलिंग चली जाती है, उसे सेकेंड ग्रेड पाइल कहा जाता है। थर्ड ग्रेड पाइल में स्वेलिंग आ जाती है, मस्सा आ जाता है, पर मस्सा हाथ से या फिर उंगलियों से अंदर डालने पर अपने आप चला जाता है, उसे थर्ड डिग्री पाइल्स कहा जाता है। फोर्थ डिग्री पाइल्स में जो स्वेलिंग या फिर जो मस्सा रहता है वो कंटिन्यूअसली बाहर ही रहता है, वो अंदर प्रोट्रूड नहीं होता है, अंदर नहीं जाता है, उसे फोर्थ डिग्री पाइल्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पाइल्स होने के रीजंस क्या है, उसके कारण्स क्या है। सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पाइल्स का कॉन्स्टिपेशन है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कॉन्स्टिपेशन के बारे में टोटल डिस्क्रिप्टिव बताया। हमारे वीडियो में आप सर्च करके कॉन्स्टिपेशन के बारे में अच्छे से जान सकते हो। कॉन्स्टिपेशन जब क्रॉनिक हो जाता है तो पेट साफ होने में जोर लगाना पड़ता है, तो उससे पाइल्स डेवलप हो जाता है, मस्सा हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है जेनेटिक फैक्टर। कुछ जेनेटिक कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है, उसकी वजह से भी पाइल्स हो सकता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर खाना पीना ठीक से नहीं है, अगर नॉनवेज ज़्यादा है, ऑयली स्पाइसी फूड ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं है, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और एट द एंड पाइल्स डेवलप हो सकता है। कुछ कुछ मेडिसिन खाने के बाद, कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेने के बाद भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है, हीट डेवलप हो सकती है, उससे भी पाइल्स डेवलप हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पाइल्स डेवलप होता है, आफ्टर डिलीवरी भी पाइल्स डेवलप हो सकता है। ओबेसिटी, ओवरवेट भी कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स का एक रीजन बन सकता है। ईटिंग हैबिट्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, नॉनवेज ज़्यादा ले रहे हैं, जिससे हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, स्ट्रेन करना पड़ता है और कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूजफुल है पाइल्स को ट्रीट करने के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी और दूसरी पद्धति और दूसरी पैथी से
कैसे यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल एलोपैथी में कॉन्स्टिपेशन या फिर पाइल्स को ठीक करने में या फिर कंजेशन स्वेलिंग और पेन को ठीक करने में जोर दिया जाता है, ना ही कि एग्जैक्ट रूट कॉज पे ठीक करने में जोर दिया जाता है। एट द एंड उसमें ऑप्शन होता है सर्जरी करना। पर होम्योपैथी में जब डिटेल हिस्ट्री ली जाती है, जब टोटल पेशेंट का साइन एंड सिम्टम्स पूछा जाता है, पेशेंट का लाइफ स्टाइल बाकी सब पूछने पे जब मेडिसिन दिया जाता है, तो एग्जैक्ट रूट कॉज पे वर्क करता है और रूट कॉज पे वर्क होने से ये परमानेंटली ठीक हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सर्जरी करने के बाद भी फिर से पाइल्स या फिर मसल डेवलप हो जाता है। दोस्तों आपके नज़दीकी बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से आप जाके मिल सकते हैं, उन्हें आप आपकी टोटल हिस्ट्री टोटल डिटेल हिस्ट्री दे सकते हैं, आपका लाइफस्टाइल बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन देगा और वही आपके लिए बेटर और इफेक्टिव रहेगा। होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन देनी है, कितनी रिपीटेशन में देनी है, कितनी पोटेंसी देना है, ये एक एक्सपीरियंस डॉक्टर ही आपको बता सकता है। अगर आपको हमसे कंसल्ट करना है तो आप डायरेक्टली भी आके कंसल्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इसमें हम पेशेंट को इनिशियली 6 वीक्स का मेडिसिन देते हैं। 6 वीक्स के मेडिसिन के बाद नेक्स्ट फॉलोअप में कैसे सिम्टम्स हैं, कैसे रिकवरी आ रहा है, उसके बेसिस पे पोटेंसी और रिपीटेशन डिसाइड करते हैं। फॉर अ नॉलेज पर्पस अगर पाइल्स के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूजफुल है उसके बारे में बताना है, तो सबसे कॉमन और सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है एस्क्यूलस हिपोकैंटमस। एस्क्यूलस 200 अगर आप डेली रात में लेते रहें तो आपको पेनफुल पाइल्स जो होती है उसमें आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है नक्स वॉमिका। अगर आपकी लाइफ स्टाइल सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आपका लेट खाना है, लेट उठना है, अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा है, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसकी वजह से भी पाइल्स डेवलप हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग है एनस की जगह पे बिफोर मोशन और आफ्टर मोशन, तो आप सल्फर 200 ले सकते हैं। अगर आपके ब्लीडिंग पाइल्स हैं जिसमें खून निकल रहा है, तो हेमेमेलस एक मेडिसिन है, वो भी काफ़ी यूजफुल है। दोस्तों ये सारी मेडिसिन थी जो पाइल्स के लिए इफेक्टिव है, पर बेटर होगा आप आपके नज़दीकी डॉक्टर से जाके मिले, उसे कंसल्ट करें, ताकि वो आपको बेटर और एग्जैक्ट मेडिसिन दे पाएगा। इसी तरह से आप होम्योपैथी लेके पाइल्स को पूरी जड़ से निकाल सकते हैं। अगर आपको पाइल्स रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक हो। मुझे सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।